हेलो एवरी वन दिस इज आशी जन दिस इज अनदर वीडियो ऑन डिरेक्शन ऑफ इनकम टैक्स टुडे वी विल स्टार्ट विद सेक्शन एट्टीन डबल ई ए नाउ ध्यान से सुनेगा देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस इज एन अमेंडमेंट ओके सो बहुत ध्यान से सुनना

इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कौन सा हाउसिंग लोन रेजिडेंट सिर्फ रेजिडेंट की बोली है कमर्शियल की बिल ही नहीं बोली इफ इंटरेस्ट एक्सीड ए मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ध्यान से सुनिए ये डिडक्शन किस पे है अगर कोई इंडिविजुअल अपना घर खरीदता है वो किस पे बताया हाउसिंग लोन पर लेता है ठीक है और उसको डिडक्शन कब मिलेगी जब उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जो है वो ट्वेंटी फोर बी के मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाए अब ये है क्या देखिए आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी में हाउसिंग लोन पे टू लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है टू लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाती है आई रिपीट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे उसमें क्या एक क्लोज है अंडर सेक्शन ट्वेंटी बी में क्या पॉइंट है कि अगर कोई रेजिडेंट हाउस खरीदता है कौन इंडिविजुअल ठीक है किस पे ले रहा है लोन पे ले रहा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के केस में उसको मैक्सिमम दो लाख की डिडक्शन मिल जाएगी बट इन द केस ऑफ सेक्शन एट्टी डबल ए उसको डिडक्शन तब मिलेगी जब ये लिमिट जो क्रॉस कर जाए मान लीजिए उसने जो लोन लिया सपोज कितने का लोन लिया लेकिन उसकी जो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन है सपोज है थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड तो वो पर्सन क्या करेगा इंडिविजुअल क्या करेगा वो टू लाख की तो पहले डिडक्शन यहाँ ले जाएगा बाकी बैलेंस कितना रह गया रिमेनिंग वन लैख फोर्टी थाउजेंड वो यहाँ डिडक्शन लेगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या लिखे डिडक्शन कितनी मिलेगी मैक्सिमम लिमिट अंडर दी सेक्शन ऑफ एटी डबल ई ए कितनी मिलेगी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी विच एवर इज लोअर ठीक है सो देखिए वन लाख फोर्टी थाउजेंड या फिर वन लाख कितनी की डिटेक्शन मिलेगी दैट इज वन लाख ठीक है मैं देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेक्शन एटी दिस इज एन अमेंडमेंट For the assessment year 2020, क्या बोला हुआ है अगर कोई इंडिविजुअल चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो अगर वो अपना घर खरीदता है housing किस पे पे लेता है ठीक है अगर उसकी लिमिट जो है अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर दैट इज मैक्सिमम डिडक्शन है टू लैक अंडर सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी अगर उसको क्रॉस कर जाए तो ए e, e, की ले सकता है यहाँ पर डिडक्शन कितनी है that is, वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अगर इसको क्रॉस कर जाए तो ही मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी ओके okay. अब कंडीशन क्या है द फर्स्ट कंडीशन इज कि ड्यूरिंग होना चाहिए दैट इज इन इनटीन दैट मीन्स लोन शुड बी टेकन एंड दिस लोन शुड बी पास ड्यूरिंग नाइनटीन ट्वेंटी ये देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर लोन मतलब अगर आपने घर खरीदा इसी पीरियड के दौरान तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी ठीक है दैट मीन्स लोन शुड बी सेंक्शन ड्यूरिंग नाइनटीन ट्वेंटी सेकेंड पॉइंट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेजिडेंट हाउस अप टू रुपीज फोर्टी फाइव फ्लैट इससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू बोली घर घर की वैल्यू नहीं बोली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एस डी बी दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी वैल्यू जो है फोर्टी फाइव से क्रॉस नहीं होनी चाहिए

आपको पता है कि कंट्री में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया ठीक है सो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स में कुछ डिडक्शन दिए छूट दिए ठीक है तो क्या बोला हुआ है पहली बात तो कोई डायरेक्शन किसको मिली है ओनली टू इंडिविजुअल ठीक है अब वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है लोन टेकन फॉर दी परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ और सिर्फ एक व्हीकल पे होगी ओनली वन व्हीकल अच्छा है वो व्हीकल आप किसी भी पर्पस के लिए यूज करो चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो नॉन कमर्शियल हो या फिर सीधी सीधी बात बोलो चाहे वो पर्सनल हो या फिर बिजनेस हो ठीक है लेकिन किस पे मिलेगी ओनली ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली ऑन वन इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है अगर आप उसको लोन पे लेते हो तो नेक्स्ट लोन आपने कहा से लिया फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन बैंक ठीक है देन डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको मैक्सिमम ऑफ रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑनली ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट प्रिंसिपल अमाउंट क्या कैसा है ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं है ठीक है अब देखिए आगे इसका खेल बड़ा मज़ेदार हो जाता है क्या है ये तो maximum जो मैक्सिमम रुपीस जो डेढ़ लाख की डिडक्शन है उसमें क्या कंडीशन है डबल टैक्सेशन इज नॉट अलाउड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अब सर इसका क्या मतलब है देखो ध्यान से देखिए पी देखिए ये जो तो गाड़ी खरीदी है कौन सी गाड़ी खरीदी इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर क्या 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 बोला हुआ है कि या तो गाड़ी आप चाहे अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो चाहे आप बिजनेस के लिए यूज़ कर लो ठीक है बट मान लीजिए अगर कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है ठीक है तो वो उसका बिजनेस हो गया ठीक है तो फिर पी के हेड में यानी दैट मीन्स इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन और बिजनेस प्रोफेशन में।, में पी पी में पी एंड एल में वो क्या करेगा अपना इंटरेस्ट ऑन लोन को वो डेबिट कर देगा इंटरेस्ट ऑन लोन को Am I right? तो वो से इंटरेस्ट ऑन के डेबिट भी कर लेगा और डेढ़ ऐसा नहीं हो सकता इसी को बोला हुआ है ऐसा नहीं कि यहां पर भी डेबिट कर लेगा पर भी उसको डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की ठीक है बट हाँ याद रखना क्लास यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट इंक्लूड है दैट मीनस फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस ठीक है मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी कोई अपनी अपनी गाड़ी खरीदी ऑन uh, uh, मतलब कौन सी गाड़ी इलेक्ट्रिक विकल खरीदी मैंने वो चलिए बिजनेस के लिए यूज़ कर ली ठीक है अब मान लीजिए मैं उसका थर्टी परसेंट तो मैं अपने पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ बट बाकी थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट में अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं इसकी दिए, इसकी डिडक्शन ले सकता हूँ जी हाँ ले सकते हो कैसे देखिए पी बी में जो आप डेबिट करोगे वो 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 तो आपसे बिजनेस वाले से करोगे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक लाख एक लाख रुपए का है ठीक है सेवेंटी परसेंट मैं ऑफिशियल परपेज़ से कर रहा हूँ तो सेवेंटी परसेंट डिडक्शन तो मैं क्या कहाँ ले जाऊँगा पी जी बी में बट बाकी जो रिमेनिंग थर्टी थाउजेंड उसको वेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि एट्टी डबल ई बी क्या कहता था चाहे आप पर्सनल लिख रहे हो चाहे आप कमर्शियल लिख रहे हो आपको डिडक्शन मिलेगी मिलेगी तो मैं रिमेनिंग थर्टी थाउजेंड कहाँ मिलेगी मुझे मुझे वो यहाँ मिलेगी थर्टी थाउजेंड की ओके सो so, बस ये बोला है कि डबल टैक्सेशन यानी कि सेम अमाउंट जो है दो बार वहाँ पर आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते ठीक है अच्छा मान लीजिए अगर कोई बिजनेस बिजनेस पर्सन है अगर देखिए उसने कहते कमर्स पर्पज के लिए गाड़ी गाड़ी खरीदी है ठीक है तो यहाँ पर वो सो वो सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए अमाउंट जो वो डेबिट कर सकता है अगर मान लीजिए उसने कर दिए तो फिर उसको वो पर्सनल पर्पज़ के लिए उसने माइनस कर दिए तो फिर वो डिसअलाउड हो गए ट मीनस अगर आप पी uh, जी है, से थर्टी एट टू उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है कौन से एक्सपेंस डिस होंगे फॉर दर्पस ऑफ पर्सनल एक्सपेंसिस सारे सारे पर्सनल एक्सपेंसिस वो डिसअलाउड हो जाएंगे अगर मान लीजिए कोई अमाउंट ऐसा है जिसमें जो दोनों दोनों ही कहते हैं परपोर्सन जो इंक्लूड पर्सनल एज वेल एज बिजनेस तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि एज पर दिस सेक्शन एज पर दिस सेक्शन जो है कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कितना परसेंटेज पर्सनल यूज के लिए हुआ है और कितना बिजनेस के लिए हुआ वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वायरिफिकेशन आप उसको आराम से कर लोगे ठीक है चलिए इसको हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मिस आयुषी एंगेज इन हायर हायरिंग मोटर व्हीकल्स शी हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैक आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिक वहीकल फ्राम एस बी आई ऑफ रुपीज़ वन लैक नाइन्टी थाउजेंड देखिए गाड़ आयु सी का कर रही है बिजनेस कर रही है मोटर वहीकल का ठीक है अब इंडिविजल कौन है बिजनेस मैन है बिजनेस वोमेन है एंड उसका जो रिपोर्ट क्या कि है उसने नेट प्रोफिट कितना क्या है ट्वेंटी लैख बट दिस ट्वेंटी लैख इज़ आफ्टर डेबिटिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लोन है दैट इज़ वन लैक नाइन्टी थाउजेंड आगे लिखा हुआ है हर अदर सोर्स ऑफ इनकम इज रुप टू लैक नाउ वी नीड टू कंप्यूट टी टी आई दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम ठीक है यहाँ पर अब ये तो लिखा नहीं है कि मिस आयुषी ने वो जो गाड़ी जो है पर्सनल के लिए क्या लिखा है कि कितना लिखा है और कमर्शियल कितना लिखा है नहीं लिखा तो बाई डिफल्ड क्या मानेंगे हम उसको फुल्ली कमर्शियल पर्पस ठीक है सो देखिए कैसे करेंगे इसको इनकम फ्रोम पीजेबीपी कितनी इनकम होगी उसको ट्वेंटी लाख आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है आफ्टर डेबिटिंग है नाउ वी विल ऐड

कौन सी डिटेशन ओ टी बी अब क्वेश्चन ये रह है वेदर शी इज एबल टू गेट दिस डिटेशन और नॉट देखिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन का है जहाँ से देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के पहले तो मैक्सिमम डिटेशन कितनी है रुपीज फिफ्टी थाउजेंड बट कंडीशन क्या है डबल टैक्सेशन इज नॉट अलाउड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसने तो वह लाख नाइन्टी था यूज कर लिया कहाँ पर पी जी बी पी में बिकॉज ट्वेंटी लैख कब आया debiting, वन तो नाइनटी थाउजेंड था। था। वहाँ पर उसने ऑलरेडी उसको एज एन एक्सपेंडिचर वहाँ पर पेंट में उसको डेबिट कर लिया तो उसकी यहाँ पर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई अमाउंट नहीं आएगा तो यही क्या आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम रुपीज ट्वेंटी टू लैक ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल चलिए आगे पढ़ते हैं यही सेम क्वेश्चन है जहां से देखिए यही सेम क्वेश्चन है बस पॉइंट क्या आ गया इफ शी डिडेंट फाइल आई टी आर बिफोर ड्यू डेट सॉरी नहीं नहीं सॉरी ये पॉइंट ये नहीं आया इफ शी डिडेंट पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बिफोर ड्यू डेट ये पॉइंट आ गया सेम क्वेश्चन वही है क्वेश्चन क्या था मिस आयुशी हायरिंग एंगेज इन हायरिंग इन मोटर व्हीकल ठीक है उसका नेट प्रॉफिट कब आया कितना है ट्वेंटी लैख आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन विच आज रुपीज ऑफ रुपीज नाइनटी थाउजेंड अदर सोर्स ऑफ इनकम टू लैक सेम क्वेश्चन है कंडीशन क्या होगी इफ शी डिडेंट पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बिफोर ड्यू डेट अगर ये पॉइंट आया तो आपको एक और सेक्शन से मुलाकात करनी पड़ेगी बीजीपी PG, के जिसका नाम है फोर्टी थ्री बी फोर्टी बी अब ये सेक्शन क्या कहता है ये सेक्शन कहता है इफ द असेसी डिडेंट पे द अमाउंट ऑफ बैंक बैंक लोन और बैंक ड्यूज़ एम्प्लॉ ड्यूज़ एज वेल एज और ये कैसे गवर्नमेंट ड्यूज अगर कोई एस एस सी गवर्नमेंट ड्यूज एम्प्लॉयज़ ड्यूज या फिर बैंक ड्यूज अगर उसने जो है आई टी आर से पहले पे नहीं किए तो वह सारे खर्चे उसके डिसलाउड हो जाएंगे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है फोर्टी थ्री में जाना पड़ेगा गवर्नमेंट ड्यूज़ एम्प्लॉयज़ ड्यूज बैंक ड्यूज अगर नहीं पे करें कब बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आई टी आर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आई टी आर अगर नहीं पे करे तो क्या हो जाएगा डिस अलाउड तो देखिये सेम क्वेश्चन करें देखिए कैसे सॉल्व होगा देखिए पीजीबीपीसी से उसकी इनकम कितनी थी ट्वेंटी लैख आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है बट उसने अब इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट तो पे कर ही नहीं बिफोर आई टी आर तो वह डिसअलाउड हो जाएगा दैट मीन्स इट द होल अमाउंट विल बी एड बैक डिस अलाउड हो जाएगा कितना अमाउंट था वन लैख नाइन्टी थाउजेंड ठीक है तो इनकम फ्रॉम पी जी बी भी कितनी होगी ट्वेंटी वन लैख नाइंटी थाउजेंड नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना अमाउंट था टू लैख जी कितना हो गया ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड दिस विल बी जी टी आई नाउ अब वो पर्सन दैट इज मिस आई नाउ एबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी डबल ई बी कितना वन लैख फिफ्टी थाउजेंड सर लेकिन उसने आई टी आर पे नहीं करा मतलब सेवेल अरे ये बात ये कंडीशन ए टी डबल ई बी में तो लिखा ही नहीं कहीं पर भी ध्यान से देखो क्या डबल ई बी में ऐसे कोई कंडीशन है कि भी अगर उसने आई टी आर से पहले अगर ये एक एक्सपेंस खर्च जो नहीं पे करा बैंक को ड्यूज नहीं पे करे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी ऐसा कहीं लिखा नहीं है दैट मींस उसको वो डिडक्शन आराम से मिल सकती है बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है सो अमाउंट कितना आ जाएगा सर अमाउंटी टू लैटी थाउजेंड नी दी टी आई इन दिस केस ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए मैं ये इस सेक्शन पे अच्छे से फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को लगता है कि इस सेक्शन में से पर्टिकुलर क्वेश्चन आने के चांसेज बहुत ज़्यादा है ठीक है चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो या सी एस पे या फिर सी एम ए या सी ए में या देखिए आप कहीं पढ़ोगे आप देखो ये ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो देखिए क्वेश्चन क्या है मिस्टर रमेश अंगेज इन ट्रेडिंग बिजनेस देखिए क्वेश्चन कहीं कैसे भी ट्रिक बना के कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है ही परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई टेकिंग लोन फ्रॉम पी एन ही रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट रुपीज टेन लैक आफ्टर डेबिटेड

ठीक है और आपको बता दें कि आपको मुलाकात करनी पड़ेगी इंटर सेक्शन थर्टी एट क्लोज टू में ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को <coughs> देखिए उसकी पीजीबीबीसी इनकम कितनी है टेन लाख आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का दैट इज रुपीज ट्वेंटी वन लैख टेन थाउजेंड और अभी मैंने बताया था आपको कि फोर्टी थ्री से बी सेक्शन अंडर पी जी पी भी क्या कहता है दैट मीन्स ऑल दी एक्सपेंसिस विल बी डिसअलाउड कौन से एक्सपेंसिस पर्सनल एक्सपेंसिस जो आपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज है वो सारे के सारे डिसअलाउड हो जाएंगे ठीक है तो देखिए पी आपने जब पी जी पी बनाया होगा तो आपने पी एंडल में क्या का डेबिट किया होगा इंटरेस्ट ऑन लोन भी डेप्रिसिएशन भी रिपेयर भी क्योंकि सारे खर्चे तो ये उससे रिलेटेड हैं तो फोर्टी थ्री भी क्या कहता है कि सारे जो वो वो खर्चे जो अपने पर्सनल परपेज के लिए यूज करो वो सारे सारे डिसअलाउड हो जाएंगे ठीक है तो दैट मीन्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस अमाउंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस अमाउंट एंड ट्वेंटी परसेंट दिस दिस विल बी डिसउड ओके तो इन सब क्या करेंगे हम ऐड बैक करेंगे कैसे करेंगे देखिए प्लस डिसउड अंडर सेक्शन थर्टी एट टू कितना कितना करेंगे देखिए फोर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ रुपीज थ्री लैख दैट इज सिक्सटी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड दट इज टेन थाउजेंड सारे उसे रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे सारे डिसलाड हो जाएंगे बैक हो जाएंगे सो अमाउंट विल बी एलेवन लैक ट्वेल्व थाउजेंड सो दिस विल बी दी जी टी आई और कोई इनकम कीमन ही नहीं है ना कम टू सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ई ई वी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड बट कौन सी डिडक्शन मिलेगी ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन लॉन इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कितना था देखिए आपने यहाँ देखिए पीजीबीपी में कितना अमाउंट था टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ से देखिए ट्वेंटी वन लाख टेन थाउजेंड ट्वेंटी वन लाख टैन थाउजेंड आपका था आप और आपका सिर्फ आपने फोर्टी टू आप थाउजेंड ले नहीं पाए बाकी तो आपने वहाँ पर उसकी ले ली है तो डबल टैक्सेस ने एवर्ड आप कितना नहीं कर पाए फोर्टी टू थाउजेंड तो सिर्फ फोर सिर्फ फोर्टी टू थाउजेंड वो आप इसकी डिडक्शन ले सकते हो बाकी नहीं ले सकते हैं सो दिस विल बी टी थाउजेंड टी टी आई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ देखिए क्या कंडीशन थी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी रुपीज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड डबल टन डबल टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कितना था ट्वेंटी वन लाख टेन थाउजेंड जो कि आपने ऑलरेडी पी जी बी पे में उसको पी एंड एल में डेबिट कर लिया था कितना नहीं कर पाए कितना आपने एडब कर लिया दैट इज़ फोर्टी टू थाउजेंड तो इसी के तो डिडक्शन आपको बस यहाँ मिलेगी बाकी तो आप ले सकते ऑलरेडी पे डेबिट में कर चुके हो ठीक है सो दिस विल बी टोटल टी टी आई दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल नाउ रेस्ट टॉपिक वी विल डू लेटर ऑन थैंक यू